ये शिला है ना, ये पहले पूरी भरी हुई थी ये शिला, इसमें कोई वो नहीं था भगवान का आकार ना, ये बात को आएगी। यहाँ पर जो गौ माता होती, जो बद्री गाय होती ना, वो जंगल को चुगते है घास, उसके साथ एक ग्वाला भी आता लाना ले जाना। तो गौ माता यहाँ पर आती थी घर से जंगल में, तो सवेरे यहाँ आके दूध छोड़ देती शिला पर, इस शिला पर स्वयं दूध चारों ओर से ठन से डेली आना जाना था। तो बात को ऐसा हुआ, घर पे दूध नहीं देती थी वो, घर में दूध नहीं देती थी गौ माता ना, तो कहीं बहुत दिन हो गए थे, कहीं भी ले जाओ उसको चुगाने को, वो आएगी यही, चाहे तुम कितने किलोमीटर ले जाओ गौ माता को, वन बदल दो तुम, गांव बदल दो, परंतु आएगी यही गौ माता। तो कई दिन हो गए थे आते आते, तो फिर ये हुआ भाई, ग्वाले ने ठान लिया मैं आज गाय को नहीं छोड़ूंगा, जहाँ जाएगी वो दूध, अरे मत कर दीवान, मत करो आराम से। तो ग्वाले को आधे रास्ते में नींद पड़ गई, गाय यहाँ आई दूध छोड़ के चलेगी, फिर ग्वाले की नींद खुली, फिर आए देखो तो शिला पर दूध आ रहा, तभी जाके पता चले। यहाँ पर जोशीमठ में जो नरसिंह भगवान का हाथ का कढ़ाई है ना, वो टूट जाएगा जिस दिन, तो बद्रीनाथ में नर नारे पर्वत मिल जाएंगे आपस में, उस दिन भगवान का यहाँ पर पूरा चतुर्भुज रूप में पूजा होगी बद्रीनाथ, यही होगा आने वाले समय में, भविष्य में, भविष्य बद्री नाम है। तो पता कैसे चला कि यहाँ पर है, वही ग्वाला पता लगा, वही ग्वाला से गाय आती थी दूध देती थी वो, फिर यहाँ पर पूजा पाजा हुई, पूजा पाजा। ये आकृति कैसे बनी, अपने आप बने भगवान ने, अब क्या बताया, कैसे बनाया थोड़ी किसी ने, स्वयंभू बीते से ऊपर को बड़े भगवान, भगवान की लीला है।